Murgir yang panai. फ्रेंड्स कैसे हो, स्वागत है एक वीडियो पे। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो होगा ना बहुत ज्यादा मस्त वीडियो होगा। तो क्योंकि आज हम चार पांच मिलके क्या करूंगा, जो चिकन ड्रिलिंग करके खाने वाला है, यानी जो चिकन होता है ना इसको हम बिना ऑयल से हम फ्राई करके खाने वाले हैं। थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया कि कौन सा टाइप का ये वीडियो है और वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, वीडियो तक जरूर देखना भाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे ना हमने क्या क्या दो चिकन लिया था यहाँ पर मतलब फ्राई करने के लिए। और ये जो देख पा रहे तमीम भाई अभी क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत मुसला जो होता है ना ये चिकन का अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि ये मुसला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्राई होगा ना फ्राई होने के बाद थोड़ा बहुत टेस्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे ना साइड में जो मुसला है ना, हमने थोड़ा मीट मुसला से मतलब ये तैयार किया था। और ये देख पा रहे ना यहाँ पर एक देसी जुगाड़ हो रहा है, मतलब थाजिम भाई क्या कर रहे हैं अभी, ये जो देख पा रहे ना हाथ में ये है बिरयानी का जो होता है ना कबर होता है ना, ये सारे बिरयानी का कबर है। मतलब ये जो प्याज देख पा रहे ना ये सारे अंदर मतलब डालने के बाद हम ये से कवर कर लूँगा। ये जो पेपर देख पा रहे ना उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है कि हम क्या करने वाले हैं, रस्सी से बांधने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर रस्सी से नहीं बांधाना तो क्या होगा, जब हम खबरिंग अच्छा खासा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो रस्सी से बांध लेते हैं। और किसी को इतना मतलब मस्त आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया है सबका पास, मतलब देसी जुगाड़ हो रहा है। तो अभी देख पा रहे हो ना कैसे कैसे हम ये रस्सी से बांध रहे हैं, तो आप भी ऐसा चाहे तो कर सकते हो। तो अभी रस्सी के बांधने के बाद ये सारे जो पेपर था ना, तो हम क्या कर रहे हैं इसको कवर कर रहे हैं। तो ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। और चिकन का जो स्किन था ना ये हमने रिमूव कर दिया था, क्योंकि जो मुसला था ना ये अंदर जा सके, थोड़ा बहुत हमने चीर लिया था चाकू से। तो ये कवर करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, थार से बांध दूंगा, क्योंकि थार से बांधना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये आग लगेगा ना, अगर रस्सी से बांधोगे ना तो जल जाएगा, अगर तार से होगा ना तो नहीं जलेगा। तो चलो अभी हम थार से बांधते हैं। तो अभी शारियर क्या कर रहा है, तार से ये कवर कर रहा है मतलब बांध रहा है, और ताजिम भाई पकड़ के बैठ गया। तो मैं क्या करूँ भाई, सिर्फ वीडियो ही कर रहा हूँ और मेरा कुछ काम नहीं है, मैं वीडियो कैमरा मैन हूँ और सब। और ये देख पा रहे ना भाई एक आयरन था, ये हमने घुसा दिया, मतलब ऐसे ऐसे घुसा के क्या करूँगा, अंदर घुस गया ना अभी। तो ये ऐसे हम थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा ना, तो एक तो स्टिक होना चाहिए ना ये वाला स्टिक। और अभी तमीम भाई सेकेंड वाला जो चिकन था ना इनका अंदर घुसा रहे हैं ये स्टिक। तो ये जो है आपका कैमरा कैमरा का सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा तमीम भाई पहले वाला जो खिचड़ी वाला ब्लॉग था ना ये देख के, ये हमारा आज का गेस्ट है, हमारा भाई है। और ये दोनों तो फ्रेंड्स अभी देख पा रहे हैं हमारा पीछे जो हमारा चूल्हा का जो बंदोबस्त था ना हमने रेडी कर चुके हो। तो यहाँ पर हम टोटल चार है, चार भाई मिलके हम कर रहे हैं, बट मतलब इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास, बट तजीम भाई को थोड़ा बहुत है। तो आज का हमारा ग्रुप का लीडर तजीम भाई है। तजीम भाई कुछ बताओ, बताने क्या है, यहाँ पे हम लोग अभी आग जला रहे हैं। हाँ, अभी आग लग गया, देखते हैं आग होने के बाद हम यहाँ से अंगार आएगा, उसके बाद हम लोग इसको ग्रिल करने के लिए रख देंगे। क्या करें हम लोग गरीब आदमी, यहाँ पे तो ओवन और वो कोयले का स्टिक वगैरह तो नहीं ला सकते, इसीलिए ये देसी जुगाड़ हो रहा है। तो हमने दो चूल्हा का बंदोबस्त किया और अभी शारिया ने आग लगा दिया। चलो, और आज का वीडियो पे का एक न्यू मेंबर है जो हमारा एक भाई है, सेटलमेंट से आया है ना पहले वाला ब्लॉग देख के। तो भाई कुछ बताओ। हाँ, मैं यहाँ का जो बोलते हैं ना मुरब्बी हूँ तो इसलिए मैं इधर बैठ के सब देख रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं। हाँ, तो अभी मतलब सब इंतज़ार में है और रिजल्ट क्या आएगा भाई। तो पहले का जो क्लिप था ना आप सबने देखा होगा कि कैसे हमने सब कुछ रेडी किया, तो अभी हमारा जो रियल जो फ्राइंग का जो पार्ट है ना ये स्टार्ट हो चुका है। तो भाई देखो अभी इतना टाइम मतलब मेहनत करने के बाद अभी हमारा आग भी लग गया, तो अभी मतलब हमारा तो जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स अभी आग लग गया। और हमने सोचा था कि क्या करूँगा, वन आवर तक ऐसे मतलब आग पे रखूँगा, अगर वन आवर ऐसा रहेगा ना तो हमें लगता है कि ये अच्छा खासा मतलब पक जाएगा, मतलब फ्राई होके आ जाएगा, खाने का लायक हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो चलो अभी हम ट्राई करते हैं, हमें लगता है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। ভিডিও ক্যামেরাম্যান তুমি লাগাই দিছো রামদা না না ঠিক আছে।
तो भाई फाइनली अभी बहुत टाइम बाद अभी क्या होने वाला है, हमारा चिकन जो है ना फ्राई हो गया। ये देखो भाई साइड से नजर आ रहा है ना, तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो चिकन था ना ये ड्रिलिंग हो चुका है, तो अभी हम सब इंतजार में है भाई कि टेस्टी कैसे होगा ये, मतलब यही हम सब सोच रहे हैं। और पहले बार मतलब अभी यहाँ पर हमने मतलब ट्राई किया, पता नहीं मतलब क्या होगा और क्या नहीं। अगर अच्छा हुआ तो फिर एक बार हम ट्राई करने वाले हैं, अगर अच्छा हुआ ना तो वाह क्या बात है भाई, फाइनली हमारा ग्रीन चिकन बनके तैयार है। मुर्गी ने फन आई खालो कैसे फन आई रोशी कल की तो कहा चला गया यार रोशी कल वासा तो को सुंदर रोशी रोशी तू के बगोर खाया वादा मोर वाला लाइलोन तो कभी तो रही थी ओ आई थी यार गुड दिन सकला को ही गेसना नहीं ओ लाठी ताको लाठी तो याव दियो খেয়াল করি উঠে রসি লাগাই ডানার উপরে জলাত বলা আমি সিজিব না সিজা কান সিজি গেছে বা সিজিব तो भाई अभी हमारा सब कुछ रेडी है, ये बटर देख पा रहे ना, बटर लगा के हम चिकन खाएंगे। और अभी यहाँ पर एक अच्छा खासा प्लेस है मस्जिद के सामने, यहाँ पर जाऊँगा। ये सब हमारा टीम है, थोड़ा बहुत अंधेरा है ना इसलिए अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा, जाओ। और ये हमारा चिकन है भाई, सुबह हो गई तो भाई अभी चिकन पे बटर लगाया जा रहा है तजिम भाई। तो भाई जैसे कि देख पा रहे हो अभी मैं बटर लगा रहा हूँ और सब मिलके मतलब हम तीनों मिलके बटर लगा रहा हूँ, तमीम भाई तजिम भाई और मैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो सारियार प्लेट लगा रहा है, और क्योंकि यहाँ पर चटनी भी जो यहाँ पर देना है, तो चटनी देने के बाद हम क्या करेंगे खा लेंगे, क्योंकि मतलब विदाउट चटनी में तो खा नहीं सकते, चटनी का भी जरूरत है। और ये शारियर का भाई है, तो चलो भाई जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, टेस्ट क्या है क्या होगा यही हम सोच रहे हैं। तो भाई अभी फाइनली हम क्या करने वाले हैं, मतलब डिवाइडेड करने वाले हैं, और हम ब्रिटिश हो गए डिवाइड करेंगे। বর বালা নিয়ে যেন মেজা বলার সার বালাই তো বর খাইয়া তার অভ্যাস আছে আমি বাট ফাড়িয়ে নাও তো তো ফ্রেন্ডস ফাইনালি আজ মত বহুত টাইম ইন্তজার কা বাদ আমারা জো ফাইনালি রিজাল্ট আ চুকা হ্যায় তো আবি হাম টেস্ট করনে ওয়ালে হ্যায় আপ লোগ রিজাল্ট বহুত রিজাল্ট ইয়ে দেখো ভাই বহুত হি উমদা হুয়া হ্যায় কালার সে মত ভাই দেখো কালার মত দেখো तो टेस्ट ही अलग होगा शायद, अभी हमने टेस्ट नहीं किया। चलो आप टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई बहुत मस्त है ना, बढ़िया बढ़िया
बड़े हुआ है तो अबे वीडियो शुरू भाई खाना ही पड़े तो फ्रेंड्स आज का जो छोटा मोटा जो ब्लॉग था ना बहुत अच्छा खासा किता हो जाऊं तो फ्रेंड्स आज का जो छोटा मोटा ब्लॉग था ना बहुत अच्छा लगा हम सबको मतलब बहुत इंटरेस्ट था एंड बहुत फन भी हुआ था तो चलो ताजिम भाई कुछ बताएंगे कि आज का आज हम लोगों को बहुत एंजॉय हुआ हम सब एक साथ मिलके टाइम स्पेंड कर पाए यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी और बहुत ही अच्छा हुआ भाई बताओ कुछ खाके भी बहुत अच्छा लगा और खाना अच्छा नहीं है एक साथ मिलके सबने बहुत एंजॉय किया वही है वही साथ बहुत अच्छा है तो मतलब बहुत अच्छा लगा तीन साल बाद एक साथ मिलके खाया है बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा खाना हुआ है मैं तीन साल नहीं था नागा पे इसलिए हाँ तो ये भाई तीन साल वहाँ पर नहीं थे मतलब बाहर रहते हैं ना कुछ कमाने के लिए तो इनकम करते हैं भाई हम जैसे बेकार नहीं है तो सबने सोचा है कि नेक्स्ट फिर हमारा एक प्लान है जो हम सब साथ मिलके फिर एक बार करने का कोशिश करूंगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा अगर नहीं लगा है कुछ भी मतलब गलती हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हो मैं तो चेंज करने का कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा बेहतरीन ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।